हे गाइस, फ्लिपकार्ट पर फ्लैगशिप फोन्स की सेल चालू हो गई है और ये 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगी सेल। और अगर ऐसे में आप कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन लेना चाहते हो वो भी सस्ते दाम में, तो ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। खैर आखिरी नहीं कहूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि सारे के सारे फ़ोन्स का प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो MI 10T आप कैसे 24 से 25 हज़ार के बीच में ले सकते हो, उस चीज़ के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या MI 10T Realme X50 Pro से बढ़िया फ़ोन है या फिर ख़राब फ़ोन है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या कमियाँ हैं इस फ़ोन में, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिएगा पूरा का पूरा। शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से रोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले सेल से ही MI 10T का जो प्राइस था वो आपको 24-25 हज़ार तक मिल रहा था, लेकिन कैसे मिल रहा था ये कोई जानता था, मैं भी इस बारे में नहीं जानता था, मुझे कमेंट करके किसी ने बताया था, फिर मैंने इस चीज़ को जब ट्राई किया तब मुझे ये चीज़ देखने को मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को ये चीज़ बताई जाए कि कैसे आप 24 से 25 हज़ार के बीच में MI 10T को ख़रीद सकते हो। तो सबसे पहले इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन मिलता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस दे देता है। यहां पर भले ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है, IPS LCD ही देखने को मिलती है, लेकिन हां 144Hz का रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको काफी ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाती है स्क्रीन के मामले में। यहां पर बैटरी लाइफ थोड़ी सी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितना कि आपको सुपर एमोलेड वाली डिस्प्लेस में देखने को मिलती है, लेकिन बैटरी उतनी अच्छी है इसमें, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है, जो कि सिमिलर है IQ3 और Realme X50 Pro के, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, कमी कहाँ हो सकती है इसके UI में, UI हल्का सा कभी कभी बगी हो जाता है, जो अपडेट्स आते हैं MIUI के उसकी वजह से बग्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लैग्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको सॉल्व हो जाती हैं, MI खुद सॉल्व कर देता है आने वाले अपडेट्स में, MIUI के अपडेट्स में, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लीजिए अगर आप फ़ोन ले लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि हीटिंग इश्यूज वगैरह देखने को मिलती है या फिर कोई और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे तो MIUI के अपडेट में हो सकता है वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती हैं तो आप उस चीज़ को मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको MIUI की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप फ़ोन को लेते हो, कोई दिक्कत आती है, हीटिंग इश्यूज आते हैं या फिर कोई और बग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हो सकता है मैं उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ। अगर नहीं होता है तो उसका ऑप्शन आपको MIUI कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस फ़ोन के वेट और थिकनेस की बात करूँ, सबसे पहले तो डिज़ाइन की बात करते हैं, तो डिज़ाइन इस फ़ोन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज के जितने भी कंपेटिटर्स हैं उसके हिसाब से, चाहे वो Realme X50 Pro हो या फिर कोई और फ़ोन हो, तो डिज़ाइन यहाँ पर आपको MI 10T का थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिल जाता है। खैर ग्लास फिनिशिंग तो आपको देखने को मिलती है सारे के सारे फ़ोन्स में इस प्राइस रेंज में, लेकिन इस फ़ोन का आपको जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को पर्सनली हाथ में लिया था, यूज़ भी किया था, तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली, ये जो फ़ोन है ये थोड़ा सा आपको भारी महसूस होता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है इस वजह से भी भारी लगता है, और हाँ ये फ़ोन थोड़ा सा भारी आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी यूज़ करते करते इसकी आदत आपको लग जाएगी तो वो ज़्यादा इशू नहीं है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो इस फ़ोन में कमी आपको देखने को मिलती है, मैंने कई सारे वेबसाइट पर सर्च किया तो मुझे जो कमी देखने को मिली स्पेसिफिकली वो देखने को मिली इसके कैमरा में, तो इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा मतलब उतना टॉप नॉच आपको परफॉर्मेंस नहीं देता है जितना कि आपको चाहिए होगा 25000 से अगर आप खरीद रहे हो 25000 के प्राइस रेंज में फ़ोन। खैर इतना अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस लोग Realme X50 Pro में भी नहीं मिल पा रहा है उनको, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि यार देखो यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कैमरा यार अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग आपको महसूस होता है। सबसे पहला किसी को शार्प इमेजेस अच्छी लगती हैं, किसी को लाइट इमेजेस अच्छी लगती हैं, तो वो अपना अपना माइंड सेट है कि आपको कैसा
कैमरा अच्छा लगता है, कैसी इमेजेस अच्छी लगती हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जितना लोगों ने अभी तक इसके बारे में लिखा है, जितना लोगों ने बताया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कैमरा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जितना कि आपको चाहिए होता है। खैर ये प्रॉब्लम सभी के फ़ोन्स में है ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के फ़ोन्स में आपको ये कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप और परफॉर्मेंस की बात करोगे तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कमी देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर लगा हुआ है और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर तो यार टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया गया था, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर कैमरा में आपको 8K रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ कमियाँ इसमें और भी हैं, जैसे कि आपको इसमें आपको 3.5mm वाला ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, तो वो आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आपको इसमें कन्वर्टर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप 3.5mm वाला ऑडियो जैक लगा सकते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकती हैं। लेकिन हाँ किसी किसी को और लग सकता है वो चीज़, तो वो आपका अपना डिसीजन है। बाकी इसमें एक और एडवांटेज आपको मिलता है MI के फ़ोन्स में, वो आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रिमोट की तरह काम करता है, तो वो एक एडवांटेज के रूप में आपको देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। बाकी इसमें एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 11 आपको जैसे ही बॉक्स को ओपन करोगे कुछ देर बाद आपको एंड्रॉयड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो वो चीज़ें अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मैं इस फ़ोन को कंपेयर करूँ रियलमी X50 प्रो से, तो यार कैमरा के मामले में दोनों ही फ़ोन्स उतने अच्छे नहीं निकल के आते हैं जितना कि इनको होना चाहिए। लेकिन हाँ एवरेज आपको परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा में देखने को मिल जाएगी, इस चीज़ में आपको डाउट नहीं देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो MIUI जो है वो थोड़ा सा बल्कि है, सॉफ्टवेयर के अगर आप कंपेयर करते हो तो रियलमी से थोड़ा सा बल्कि आपको देखने को मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल सकते हैं। वो आपका अपना डिसीजन है कि आपको किस टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो वो आपको दोनों फोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि आप इस फोन को कैसे खरीद सकते हो 25,000 के प्राइस रेंज में। सबसे पहले इसमें अगर आप डिटेल में देखोगे, थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी नीचे, वहां पर यह लिखा हुआ है कि आप जैसे इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में आपको ही यह फोन देखने को मिलेगा। आपके पास कोई भी फोन हो, पुराना है, नया है, कैसा भी फोन है, अगर आप इसको एक्सचेंज करते हो तो इसका जो प्राइस है एक्सचेंज वैल्यू थोड़ी सी आपको पुराने फोन की ज्यादा मिलती है इस फोन के साथ में। इस वजह से आपको ये फोन थोड़ा सा 25,000 से 24,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। यही आपको HDFC कार्ड के साथ भी 2,500 रुपये का ऑफ भी मिलता है, तो ये फ़ोन आपको लगभग 23,500 से 25,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो, इस तरह से आप इसको 25,000 की प्राइस रेंज तक खरीद सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से रोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।